वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में। एक बार फिर मैं हाजिर हूँ, ये है सबीज किचन और यहाँ पर मजे मजे के खाने बनते हैं। और आज मेरे साथ एक्सपर्ट शेफ, यानी कि 7 साल से ज्यादा इनका बेहतरीन एक्सपीरियंस है, ऑनलाइन बिजनेस करती हैं, और मेरे साथ हैं कौन, नुसरत नजम, शेफ नुसरत नजम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। टार्जन, इतनी पतली दुबली है, स्मार्ट लेडी। अच्छा, इसको इसमें स्टैंडर्ड वर्ड, शी इज वेरी स्मार्ट लेडी। माशाल्लाह, इनकी बड़ी प्यारी सी बेटी भी सामने है, सही कह रही हूँ? बिल्कुल। लेकिन आप खुद इतनी स्मार्ट है, मॉडलिंग शॉडलिंग कर लेना। थैंक यू, बस इतने ही काफी है। ये जीरो फिगर है और ये मॉडलिंग वाला फिगर है। लेट्स सी मेरी प्यारी बहन, आज डिश क्या बन रही है? आज हम बनाने जा रहे हैं कच्चे खीमे के कबाब। तो वो क्या है, वो क्या है? वो गाजर का हलवा बना के लेकर आए और सैंडविचेस हैं। रियली? आपके लिए। ये इन्होंने मुझे तपाया, इन्होंने कहा गाजर का हलवा मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी, अभी सिर्फ एंजॉय करें। थैंक यू, क्योंकि मौसम ठंडा है तो उन्होंने कहा आप मेरे लिए लाए। लव यू। अच्छा जी, हम बना क्या रहे हैं? हम कच्चे खीमे के कबाब बना रहे हैं। कच्चे, और ये मुझे बहुत पसंद है, बकरे पे ही बनते हैं। आज आप बना रहे हैं? ओके, मौका नहीं था लेकिन बना लिया। दैट्स गुड, दैट मींस अच्छा है, ऐसा चेंज होना चाहिए। ओके, अच्छा, इस पे तो क्या क्या इसमें हम इंग्रेडिएंट्स ले रहे हैं, एक पिसी हुई लाल मिर्च और पिसा हुआ गरम मसाला, ओके, अदरक लहसुन का पेस्ट है हमारे पास, अदरक लहसुन का पेस्ट, ओके, नमक है, नमक पेस्ट के हिसाब से होगा, साबुत धनिया, सफेद जीरा, और ये बादियान फूल है, और कबाब चीनी है। अच्छा ठीक है। पपीता है हमारे पास कच्चा, जिसे हमने पीस लिया है। जी, और ये क्या चीज़ है? अच्छा, ये हमारे पास चॉप अनियन है, ठीक है, इसका हमने निचोड़ के पानी निकाल लिया, पानी आता है ना, बिल्कुल। और हरी मिर्चें हैं, पुदीना है, हरा धनिया, गुड, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले। अब हम इसको क्या करेंगे, इसमें डालेंगे? अच्छा, सबसे पहले हम इसमें डाल रहे हैं ठीक है, ये मुझे दे दे बर्तन। ओके, डन हो गया, वहाँ से पीछे रखते जाएं, गुड हो गया। और अच्छा, ये आ गया हमारे पास गरम मसाला। ओके, बड़ा यमी बनने वाला ये। अभी नुसरत साहबा को आप हल्का ना लें, वैसे हल्की फुल्की सी है लेकिन खाना हल्का नहीं बनाती। अदरक लहसुन का पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट, दैट्स गुड। अच्छा, ये सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड किए जा रहे हैं। ओके, हस्बे जायका, नमक जो है हस्बे जायका ले सकते हैं, उन्होंने अपने हिसाब से मैनेज किया, आप हस्बे जायका। ओके नेक्स्ट। अच्छा, ये आ गया हमारे पास पपीता। मैं इसमें 1 टीस्पून डाल रही हूँ, ज्यादा नहीं लूंगी। ठीक है ओके। अच्छा, पता नहीं पपीते का पेस्ट आ रहा, टेस्ट आ रहा। अच्छा, ये हम इसमें से हाफ अनियन डाल देंगे, हरी मिर्च डाल देंगे, धनिया पुदीना, बिल्कुल फेवरेट, ये सब चीजें इसके अंदर आ गई। ओके, डन हो गया। अब जो है ये हमारे पास, इसको हम मिक्स कर लेते हैं जब तक, क्योंकि अभी जो हमारे पास ड्राई मसाले हैं उनको हम हल्का सा रोस्ट करके। अच्छा, इन्होंने क्या किया है, ये जो तीन चीज़ें हैं ना, इन तीनों चीज़ों को आपने इनको हल्का सा रोस्ट करेंगे और फिर थोड़ा सा। अच्छा, आपने पहले से बनाया हुआ है पहले? जी जी, मैं वो कौन सा है वो आप दिखा दें, तो ये इसमें निकाल देते हैं, बता देती हैं, कोई बात नहीं। हम इसको, इन्होंने क्या किया, तीनों चीज़ों को रोस्ट करके ये पहले से घर से बना। जी जी, गुड हो गया। अच्छा, ये मैंने इसमें 1 टीस्पून फुल भर के डाल दिया। खुशबू कितनी प्यारी आई है, इन्होंने जैसे बॉक्स खोला, रियली बहुत प्यारी सी खुशबू आई है, खा के भी मजा आएगा इंशाल्लाह। अच्छा भैया, ये देखे ना इन्होंने हमें, अभी ये सारे स्पाइसेस इसके अंदर चले जाएंगे। अच्छा, आजकल मैं ना बाहर जो है ना चपली कबाब बहुत खाती हूँ, साथ में उसके साथ हरी मिर्च होती है, चाट का मसाला लगा होता है, तो कभी कभी चली जाती हूँ। पीआई भी नहीं है यहाँ पर, बड़े मजे के बनता है वो चपली कबाब, उस लड़के का नाम नहीं आता लेकिन वो बड़े मजेदार गरम गरम। अच्छा, इसको हम तकरीबन सभी इंग्रेडिएंट एक से डेढ़ घंटा हम इसको मैरिनेट करने के लिए। तो कल फिर प्रोग्राम कर लेते हैं ना, तो फिर कल के प्रोग्राम में इंशाल्लाह हम कबाब फ्राई करेंगे। अच्छा, इन्होंने बड़ी अकलमंदी का मुजाहरा ये किया कि इन्होंने कहा कि देखिए वो टेस्ट नहीं आएगा, ये घर से बना के लाएं, वो निकाल दीजिए, हम इसको फिर कर देते हैं एक साइड पर, और हम वो ले आते हैं जो इन्होंने पहले से सुबह जो इन्होंने कह रही थी एक डेढ़ घंटे की वजह से तो मैरिनेट कर लिया था पहले, ताकि हमारा इसको हम एक तरफ कर लेते। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास ये पहले से। ओके, देखिए अब इसका टेक्सचर कितना फर्क है, लुक एट, ये बिल्कुल स्मूथ बना हुआ है। अब ये थोड़ा जी, इसके बाद इसको भी, ये भी ऐसे। अच्छा, कौन सा वाला पैन ऊपर रखना है, नहीं बड़ा वाला छोटा वाला? छोटा रख दीजिए। ठीक है, ये हमने इसके ऊपर ये यूज करना है, जरूरत ही नहीं पड़ेगी मेरे ख्याल में, हमने रोज तो आपने किया ही नहीं है, तो हमें इसको हम नीचे कर देते हैं, ये आप जरा सा पकड़िएगा। अच्छा, ये इसमें ऑयल जा रहा है, इसमें बहुत ज्यादा ऑयल भी नहीं लगता है, बस थोड़ा सा ही ऑयल यूज करेंगे हम।
ठीक है, और थोड़ा सा ऑयल अपना। आप इस साइड आ जाओ, आप इधर आ जाओ, आप आ जाओ मेरी प्यारी बहन, ताकि मैं इन चीजों को समेटना शुरू करूं। आ जाओ, ओके डन। थोड़ा सा हम अपने हाथ पे लगा लेंगे ऑयल। भाई मैं डर गई, मैंने कहा यहाँ पर फ्राई हो रही है। ओके 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 डन हो गया। अच्छा मैं ऐसी बातें जान के करती हूँ, जरा आप हंसती है ना अच्छा लगता है। अरे भैया हमने ये चीजें, अच्छा ये किस नाम से, अब मेरी प्यारी बहन बताएं आप ऑनलाइन काम किससे करती हैं, साथ साथ बताएं। किचन विद एनएन के नाम से ही मैं काम करती हूँ। ओके मेरा चैनल है, और किस नाम से, किचन विद एनएन। अच्छा ये कार्ड आप ही ने, वाह किचन किचन एनएन। जी जी ये NN. अब इसकी कोई अब्रिविएशन का कोई मीनिंग तो नहीं है ये? एक्चुअली नुसरत मेरा नाम है और नजम मेरे हस्बैंड का नाम है, तो हमने, आप नोट करें मुस्कुराहट नजम साहब, जैसे इन्होंने नजम कहा इन्होंने मुंह ऐसा खिल गया, क्या बात। नजम भाई बेस्ट ऑफ लक, और आप बहुत लकी हैं कि इतनी खूबसूरत स्मार्ट जीरो साइज आपको वाइफ मिली है, मॉडल टाइप की। गुड हो गया जी, बस ये इस तरह से हम कबाब बना के और इसमें, अच्छा ठीक है, गुड हो गया, बेहतरीन। बस बस दो 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 रहने दो 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 दूसरा नहीं बस ये हो गया। ओके अच्छा ये कितनी, मैं जब तक ये बनता है इतनी लाइट से ही और कम करूं? नहीं नहीं सही है इतना, ठीक है ओके गुड। मैंने कहा ये जल ना जाए ना। अच्छा कितने टाइम से, 7 ईयर हो गया आपको? जी जी 7 ईयर्स, तो मुझे समझ लें कि 5 ईयर्स से मैं ये कुकिंग का काम कर रही हूँ। ओके और क्योंकि हमारी अपनी बेकरीज थी, अच्छा मेरे देवरों की माशाल्लाह है, अभी वाइंड अप कर दी। अच्छा क्यों, क्योंकि कारीगर बहुत शुगर बढ़ गई है ना, मीठा बहुत ज्यादा, फिर अच्छा नहीं लगता। अच्छा कारीगर का मसला होगा तो, अच्छा उसके बाद वो आपको तो बहुत एक्सपर्ट होंगे आप बेकरी केक वगैरह में? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने प्रथम से फर्स्ट पोजीशन में बेकिंग का कोर्स किया है, और ओके हो जाएगा ठीक है। ऑयल में डाल देंगे इसको साइड पे ऐसे, अच्छा नहीं इस पर बस थोड़ा सा पकने दें, फिर उसके को प्राइस नहीं। अच्छा ये बताएं कि आपने कितना किया, आपने फर्स्ट पोजीशन हासिल की? जी जी पिस्टन से। ओके तो उसके बाद जो है अपनी बेकरियां हम, मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों देखते थे। अच्छा फिर हमने हॉस्पिटल है हमारे घर के पास मशहूर दारुल सेहत, वहाँ हमने 5 साल सप्लाई दी है। ओके NED यूनिवर्सिटी में दी है और HBL में दी है मैंने, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। कोविड के बाद ये है कि फिर हमने अपने चैनल को ही रन किया क्योंकि सारी चीज़ें तो बंद हो गई थी। मुतमईन है कि बेहतरीन बिजनेस हो रहा है? बिजनेस तो वाइंड अप हो गया सारे, नहीं अब ऑनलाइन ये सही, ऑनलाइन जो है बस लोग सब्सक्राइब करने में थोड़ी कंजूसी करते हैं। भाई ये गलत बात है, ये ऐसे नहीं करें, नुसरत नाराज हो जाएगी आपसे। चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी फायदा हो। नहीं नहीं बेहतरीन बात है भाई, इतनी सी एक टिकी तो करना होता है, क्या बात है। अब मुझे सेंड कीजिएगा, मैं अपने ग्रुप में शेयर करूंगी, ठीक है? थैंक यू। नहीं नहीं इट्स माई प्लेजर कि ये अगर हमारे लिए, हम इतना भी ना कर सकें तो क्या बात है यार, ये तो जरा स्लो करो यार अनमोल भाई, थोड़ा स्लो करो, एक मिनट हटाओ उसको नज़र भी है ना, थोड़ा सा स्लो करें तो ये ना ये अंदर से गले ना, बस 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 ठीक गुड हो गया। ये थोड़े से वैसे जूसी रहे, नहीं नहीं जूसी रहने दो, हल्की दूसरा अगर रखना है डालना है तो आप दूसरा भी डाल दो ना, तो साथ साथ माशाल्लाह यानी कि गुड एक्सपीरियंस रहा आपको माशाल्लाह बेहतरीन। तो भाई हस्बैंड को भी ना आपको रेस्टोरेंट खोल के देने, आप तो माशाल्लाह बहुत अच्छा रन करेंगे। मेरे हस्बैंड की सारी सपोर्ट है माशाल्लाह से, जो मैं कुछ भी कर रही हूँ नजम साहब, और वो एक्चुअली हस्बैंड तो है ही मेरे, वो मेरे दोस्त है, नहीं बस ये है ना सर भाई, वो हस्बैंड आप हस्बैंड नहीं है भाई, मना कर दिया उन्होंने, दोस्त है, अच्छा फोकस दोस्त पे हो रहा है, क्या करते हैं दोस्ती में मुझे बताएं ना, हस्बैंड पहली वाइफ देख रही हूँ, प्लीज खुदा के लिए ये क्या जुमले हो रहे हैं, हस्बैंड के लिए दोस्त हैं, क्या दोस्ती में क्या करते हैं, क्या करते हैं अभी, मजेदार है, बहुत मजेदार है, सुबह सुबह आपके पास लेके आ गए हैं, एक दफा कहने पे आपके पास लेके आ गए, ये तो कोई बात नहीं, और हस्बैंड होते हैं तो कहते हैं यार अभी रुको कहाँ जाना है, कोई नहीं जा रहा है, मैं नींद पूरी कर लूँ अपनी। नहीं नहीं यहाँ पर बहुत सारी शेफ आई उनके हस्बैंड ही लेकर आते हैं, ये तो कोई बात भाई, नजम भाई की कोई और बात बताओ मुझे, ये तो गलत बात है। नजम भाई माशाल्लाह से बहुत सपोर्ट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उन्हीं की सपोर्ट है जो आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। जबरदस्त बच्चा ने मान लेते हैं, अब क्या करें मजबूरी है हमारी ना, अब मानना पड़ेगा। ये इतना प्यारी इसमें थोड़ी और डाल दूँ अगर मैं आपका खाना खराब तो नहीं कर रही, इसकी खुशबू बड़ी प्यारी है। नहीं नहीं देखिए मैं जरा सा एक बार मैं चाहूंगी इस रेसिपी को रिपीट कर लें, जब तक वो बन रहे
इसको इसमें हमने डाला है जी आज बन रहे हैं कौन से कबाब? कच्चे कीमे के कबाब। कच्चे कीमे के कबाब में इन्होंने क्या किया है, पहले ये मशीन का कीमा लिया है। बिल्कुल हाथ का की मशीन का? मशीन का बारीक कीमा। बारीक कीमा है। इसके अंदर क्या क्या डाला है? बहुत नॉमिनल से इंग्रेडिएंट्स हैं, कोई ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। इन्होंने ऐड किया इसके अंदर पीसी हुई मिर्च, हसबे जायका नमक, इसके अंदर गरम मसाला पाउडर, इसके अलावा साबुत धनिया। तीन चीजें इन्होंने ली हैं जिनमें साबुत धनिया, बादयानी के फूल और जीरा, इसको भूना जैसे रोस्ट करते हैं, उसके बाद उसको ग्राइंड करके इसमें ऐड किया, इसकी खुशबू बड़ी जबरदस्त है। फिर इन्होंने हरी मिर्च, धनिया, पुदीना और प्याज का पानी निकाल के, क्योंकि अगर आप इसमें डाल देंगे डायरेक्टली तो वो पानी छोड़ देगा, तो इन्होंने इसमें प्याज ऐड किया। और अब इसको कम से कम आप अगर 1 से 1.5 घंटा इस तरह रखेंगी तो इसका स्ट्रक्चर टेक्सचर इस तरह बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा इसका। देखिए ये इसमें, देखिए लुक एट दिस, इसमें ये बिल्कुल एक दूसरे से जुड़ गए थे, इसमें और इसमें बड़ा फर्क है। ये देखिए ये निखरा निखरा सा भी ऐसे ही जी, इसको जब 1-1.5 घंटा रखेंगे ना तो ये इसके इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर एब्जॉर्ब से हो जाएंगे, गुड हो गए। ये देखें क्विकली बन गया। इसके साथ कोई चटनी नहीं? मैं रायता लाई हूं। कहां है पुदीना और ये कहां है रायता? भी है मौजूद है। अच्छा जी रायता भी हम वही। अच्छा मैं किसी को पर को करी कोई बॉटल लगी, सॉरी। अच्छा जी ये किसी आकाश की कटोरी में मुझे डाल के दें अनवर भाई, और रख दूं कबाब? हां जी। वाओ जबरदस्त। मैं कोई कांच की कटोरी इस कटोरी में डिस्प्ले करती हूँ, किसमें रायता डिस्प्ले करते हैं। ये तुम्हारे ये लहसुन अदरक में बड़ी प्यारी लगेगी। हाँ 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 हो गया लाओ मुझे तो ये, मुझे तो मैं ये आपका रायता इसमें डिस्प्ले करते हैं। ये पुदीना, जीरा, नमक और काली मिर्ची। जबरदस्त। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये हम इस कबाब के साथ करेंगे। ये हो गया ना, वाओ पूरी प्रिपेयर होके आई है मेरी बहन। बस यानी एक और डिस्प्ले कर दें इसको और ये आपकी तीनों डिशेज हो गई हैं रेडी। वाओ जबरदस्त। कितने रह गए? बस ये दो। अच्छा आपसे कोई ऑनलाइन रब्ता करना चाहे तो किस तरह बता दें, नाज़रीन को बताएं किस तरह? मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है इस पे लिखा हुआ है, 0336224342। ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। और आपका क्या है कि किचन विद एनएन, इसके ऊपर जाके किचन विद एनएन पे आप जाएं, सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे मेरा पेज शेयर करें ताकि मेरी बहन को फायदा हो। मैं चाहूंगी ऑफ कोर्स हनी से ये दो इसमें ऐड कर लें, ठीक है, ताकि हम इसको फिर एंड करें प्रोग्राम को यहाँ पर। ये लीजिए बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये ऐसा वैसे ही बनाना जैसे मैंने आपको सिखाए थे? बिल्कुल वैसे ही। आप ही की रेसिपी चल रही है अभी तक। कैसा मेरे आप ही की रेसिपी चल रही है? ओहो जूसी जूसी। वैसे सभी मैं एक अपनी मदर इन लॉ के लिए कहना चाहूंगी। श्योर कहो ना जानी, वो मेरी उस्ताद है। अच्छा ठीक है, मतलब जैसे कहते हैं ना कि वो बच्चों को उंगली पकड़ के चलना सिखाया, तो माशाल्लाह से समझ लें कि वो मेरा इंस्टीट्यूट है हर चीज में। क्या नाम है मम्मा का? मुमताज जहां। अभी भी मेरे वाले साहब का नाम मुमताज। लो ये क्या बात हो आप कैसे? अच्छा ये बताओ, मेरी मदर इन लॉ है। अच्छा, मेरी वालिदा की डॉटर। ये देखिए ये ऐसी बहू है जो सास की तारीफ कर रही है। ये सबसे अच्छी गुड साइन है हम सबके लिए कि हम हमारे दिल में इतनी मोहब्बत अगर हमारी सांसें डाल देंगी तो हम उनका नाम हर मकाम पर हर पॉइंट पे लेंगे। देखेंगे कितनी अच्छी बात है। तो इन्होंने अपनी सास का जो है थैंक्स किया स्पेशल, और ये मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और इसी तरह आप लोगों की मोहब्बत अपने घर में कायम और दायम रहे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मीन शो। कैसा लगा आपको मेरी जान? बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। अभी चम्मच छोड़ दो, घर में भी ये काम करती हूँ, इसको थोड़ी देर छोड़ दो। हाँ जी ये टिश्यू पेपर से हाथ साफ कर लो मेरी शहजादी। शाबाश माशाल्लाह। इन्होंने सैंडविचेस, गाजर का ये आपने ये लाइव बनाना है ओके जी। और इन्होंने बना दिए हैं कच्चे कीमे के कबाब। यू मस्ट बी ट्राई एट होम, आपने जरूर घर में ट्राई करना। और इनके चैनल जो है किचन विद एनएन के साथ आप जो है इनके फेसबुक पे जाएं, इंस्टाग्राम जो भी इनका है इस पर जरूर कॉन्टेक्ट करें और मेरी बहन को ऑब्लाइज करें। थैंक यू सो मच। कैसा लगा आपको? अब बहुत अच्छा लगा और थैंक यू सो मच कि आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। आई लव यू मेरी जान। खुश रहो, आबाद रहो जी। नाज़रीन यहाँ पर लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। साथ रहो।